हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय दिस चैनल जिसका नाम है टेक ब्रो। तो दोस्तों, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपने थंबनेल में लोगो देखा है उस तरीके का लोगो कैसे बना सकते हैं, या आपका चैनल का नाम कुछ और है तो उससे मिलता जुलता लोगो कैसे बना सकते हैं। तो उससे पहले ये समझ लेते हैं कि चैनल का लोगो जो होता है उसका असल मकसद क्या होता है। चैनल का लोगो जो होता है एक बहुत बड़ा मेन फैक्टर होता है आपके चैनल की रीच को बढ़ाने का, यानी आपके चैनल को ग्रो करने का। यानी जितना ज्यादा आपके चैनल का लोगो अट्रैक्टिव होगा उतने ज्यादा लोग आपके चैनल पर विजिट करेंगे आपके चैनल के लोगो के जरिए। तो जाहिर सी बात है, आप भी यही चाहेंगे कि आपके चैनल का लोगो एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए जिससे कि आपके चैनल की रीच बढ़ सके और आपका चैनल ग्रो होता जाए। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप भी अपने चैनल के लिए एक अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए आना पड़ेगा हमें अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आज का अपने मोबाइल स्क्रीन पर अब आपको बताते हैं कि आप लोगों कैसे बना सकते हैं। तो इस लोगो बनाने के लिए हमने इस्तेमाल में लिया है कैनवा एप्लीकेशन, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लिंक पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलते हैं कैनवा एप्लीकेशन के अंदर। तो ये हमारा कैनवा एप्लीकेशन खुल चुका है। अब क्रिएट अ डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे, जो सबसे ऊपर कॉर्नर में क्रिएट अ डिज़ाइन का बटन है हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद चौथे नंबर पर लोगो का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करना है 500x500 पिक्सल वाला। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो चुका है। अब हमें साइड में को कई सारी टेम्पलेट्स दिख रही हैं लोगों की। अब हमें इनमें जो भी पसंद आए उस जैसा लोगो बना लेना है। अब जैसे कि मैं देख रहा हूँ इनमें ज़्यादातर गेमिंग चैनल्स के लोगो ज़्यादा हैं। अगर आपका गेमिंग चैनल है तो आपके लिए काफ़ी बेहतर बेहतर लोगोज हैं यहाँ पर। लेकिन जैसे कि आप रिसेंटली यूज्ड में देख सकते हैं, सेकंड में जो है इम्पैक्ट स्पोर्ट, ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है गेमिंग चैनल वालों के लिए, और कई सारे हैं। लेकिन हमारी टेक कैटेगरी है तो हमारे लिए इसमें कोई भी नहीं है, तो हम सर्च कर लेंगे। हमने सर्च कर लिया है टेक, और देख सकते हैं आप कितने सारे बढ़िया बढ़िया लोगो हमारे सामने आ चुके हैं। जो भी हमें पसंद आए उस जैसे हम लोगो बना सकते हैं। तो मुझे ये फर्स्ट वाला बेहतर लग रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद तो याद रहे आपके चैनल के नेम में 2 वर्ड्स होने चाहिए, जब भी आप इस लोगो का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मेरे चैनल के नेम में 2 वर्ड्स हैं, टैग और ब्रो, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। तो ग्लोबल की जगह लिख देंगे टैग, इम्पैक्ट की जगह लिख देंगे ब्रो। चलिए ग्लोबल की जगह लिखते हैं टैग। इसके ऊपर 2 बार क्लिक करना है और ये हम लिख देंगे टैग, इम्पैक्ट की जगह लिखेंगे ब्रो। तो ये हमने लिख दिया है। ये फॉन्ट जो है ये ठीक नहीं लग रहा है तो हम दूसरा ले सकते हैं। फॉन्ट लेने के लिए हमें ब्लैंका पर क्लिक करना है और फिर हम यहाँ से जो भी पसंद आए वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मुझे ये एलाइस वाला थोड़ा बेहतर लग रहा है, इसको पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा फॉन्ट चेंज हो चुका है। अब ऐसे ही नीचे वाला भी हम चेंज कर सकते हैं। एलाइस को पर क्लिक करना है दोबारा, ये भी चेंज हो चुका है। तो ये हमारा लोगो बन के तैयार हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसके ऊपर एक सर्किल और लगाना है। तो एलिमेंट्स में आएंगे, एलिमेंट्स में आने के बाद तो यहाँ पे सर्च कर लेंगे सर्कल। सर्कल सर्च करने के बाद हमारे सामने काफ़ी सारे सर्कल्स आ चुके हैं, और इसमें हमें याद रखना है कि जिस पर प्रो लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक नहीं करना है। तो ये जो है इस पर प्रो नहीं लिखा हुआ है, ये हमें बेहतर भी लग रहा है हमारे लोगों के लिए। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा बड़ा करेंगे और अपने लोगों के तरह इसको एडजस्ट कर लेंगे। देखिए जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ऐसे करके आपको इसको एडजस्ट करना है। इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, जो हमारा ब्रो है यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि ये थोड़ा स्टाइलिश शो हो सके। तो आप देख सकते हैं कि हमारा लोगो कितना शानदार बन के आया है। मैंने जो आपको एकदम इतनी ज़्यादा डिटेल में बताया है, ये यूँ बताया है कि आप खुद भी और किसी तरह का लोगो बना सकें।
आप ये मत सोचना कि मैंने इतनी ज्यादा डिटेल में क्यों बताया है। इस बटन पर क्लिक करने के बाद तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस लोगो डाउनलोड करते हैं। इस लोगो डाउनलोड करने के लिए हमें इस बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हमने इस बटन पर क्लिक करा ये डाउनलोड होने लगा। चलिए हमने दो बार क्लिक कर दिया था इसलिए ये दो बार डाउनलोड हो गया। चलिए अब इसे काट देते हैं और गैलरी में जाकर देखते हैं कि लोगो हमारा गैलरी में आया है या नहीं। तो फाइनली हमारा लोगो गैलरी में आ चुका है। अब हमें इस लोगो को अपने यूट्यूब चैनल के लोगो पर लगाना है। अब चलिए यूट्यूब चैनल के लोगो पर लगाते हैं। उसके लिए यूट्यूब में आएंगे। यूट्यूब में आने के बाद चैनल के लोगो पर क्लिक करेंगे और चैनल के नीचे और चैनल का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद लोगो पर क्लिक करेंगे और अब गैलरी में आन के अपना लोगो सेलेक्ट कर लेंगे। इसको हम अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं जैसा हमें चाहिए। तो हमें कुछ इस तरीके का लोगो दिखाना है अपने चैनल में। तो हम सेव एस प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक कर देंगे और हमारा ये लोगो अपडेट हो जाएगा कुछ ही मिनटों में। लिख आ चुका है प्रोफाइल फोटो अपडेटेड सक्सेसफुली। हमारा जो लोगो है अपडेट हो चुका है। तो यही थी आज की ये वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है जब जाकर एक हमारी वीडियो बनती है। तो दोस्तों हमने एक पहले वीडियो बनाई थी उसमें हमने बताया था कि आप कैसे चेक कर सकते हैं आपके नाम पर कितने सिम चल रहे हैं। तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। आपके बहुत ही ज़्यादा काम में आएगी हमारी पिछली वीडियो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर। It's almost like falling in love.